आजको दिनमा कालिम्पोङमा जिल्लापाल अनि टुरिज्म र ट्रान्सपोर्ट सेक्टर बीच एउटा मिटिङ राखिएको थियो, जसमा जिल्लापाल आर विमलाले यी दुई सेक्टर्सहरूमा कोभिड प्रोटोकल्स पालन नगर्नेहरूमाथि स्ट्रिक्ट एक्सन लिने साथै सरप्राइज इन्स्पेक्सन्स अथवा अचानक निरीक्षणहरू पनि हुने जानकारी दिइन्। कोभिडको संक्रमण एकदमै बढेर आजको दिनमा 226 एक्टिभ केसेस भएको हुनाले 46 कन्टेन्मेन्ट जोन, जुन बेसी मात्रामा पेदोङमा पर्छ, यी जोनहरूमा टुरिस्टहरूको आगमन बन्द गरिएको कुरा पनि बताइन्। अरू जग्गाहरूमा एकदमै कोभिड प्रोटोकल्स, सेफ्टी मेजर्स अनि सेनिटेसनको पुरा ख्याल गर्दै निर मात्र टुरिज्म चालु हुने पनि बताइन्। यसबाहेक लापरवाहीको कारणले गर्दा बढी मात्रामा कोभिड केसेसहरू प्राय गाउँ बस्तीमा एकाग्र भएको अनि टुरिज्म र ट्रान्सपोर्ट सेक्टरले मात्र होइन तर साधारण मानिसले पनि याद गर्नुपर्ने सन्देश दिइन्। As of now, they have assured their full cooperation. We have not seen any violation. But we have planned for inspection. The surprise inspections will be taken not only in the hotels and homestays, but also in the transport arrangements. We will be checking everywhere. The COVID protocols will also be followed. Even from the end of the excise, from the end of the MVIs and from the end of the administration, this will be taken care. And from the end of the police administration, this will also be taken care. So if we see some violation of COVID protocol, definitely as per law, we have to take action. We will take action. Kalimpong mein, all the homestay owners and their assistants, domestic helps, everybody have been vaccinated. So hum logon ka driver log and hotel association, restaurants, everybody have been vaccinated because as per the priority list, they are all been vaccinated. If anybody is left out, they can approach us. So they are in a safer position as first dose vaccination has already been done. लोग होटलियर्स एसोसिएशन, होमस्टे ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग किया है। देर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अवर एंड टू फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ द रीसेंट केसेस इन कलिम्पोंग। वी हैव इश्यूड एन ऑर्डर बाय विच इन द कंटेनमेंट जोन्स नो टूरिस्ट एक्टिविटी और टूरिस्ट आर अलाउड टिल द कंटेनमेंट जोन इज एक्टिव। एज ऑफ नाउ कलिम्पोंग में 46 सच कंटेनमेंट जोन्स आर देर। हम लोगों का एक्टिव केसेस अराउंड 226 है, इसीलिए ये केस लोड कम होने तक हम लोगों को स्ट्रिक्टली जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा एंड ये जो कंटेनमेंट जोन का एक्टिविटीज़ लाइक टूरिज्म इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट बहुत रेस्ट्रिक्शन में ही है। हम लोगों का कलिम्पोंग में भी एज पर आवर इन्फॉर्मेशन द होटल बुकिंग इज़ बिलो 20% एंड होम स्टेज ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम हैव closed by themselves and Ichegaon and Salaregaon mein kuch guest hai, that is also in a very few number. So we requested all the homestay owners to follow the mask and hand sanitizer and physical distancing protocol and when some guest is coming wo guest log bahar jane ke baad bhi uska sanitization ye sabhi ke liye hum log request kiya hai। गेस्ट से हम लोगों को भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट दे कैन फ्रॉम देयर ओन मैकेनिज्म कैन चेक द वैक्सीनेशन स्टेटस। एज ऑफ नाउ बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट आउटसाइड द स्टेट से जो लोग आते हैं उन लोगों का विगरस चेकिंग होता है। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट एंड डबल वैक्सीनेशन ये सभी एयरपोर्ट लेवल से और लैंड बॉर्डर से ही हो जाता है। Whoever is coming from inside also, the number is not very high. So the physical distancing and other protocols, if it is followed very vigorously for the next 2 weeks, we will also be able to bring down the cases. म्युनिसिपैलिटी एंड अदर प्लेसेस से ज़्यादा हम लोगों को विलेज एरिया में अभी केसेस है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्यू शॉप्स और हार्ट्स वेयर पीपल आर जस्ट वायलेटिंग देयर कोविड प्रोटोकॉल। दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर मास्क, ये सभी के कारण ये होता है। एंड होम आइसोलेशन में जो जब केस होते हैं वहाँ वो लोग मे बी आफ्टर 10 days दे गेट रिलैक्स्ड विच इज़ नॉट सपोज टू बी। दे हैव टू बी इन आइसोलेशन फॉर 14 days, मीन्स स्ट्रिक्ट 14 days। बिकॉज ऑफ दिस लास्ट 2-3 days एज दे डोंट हैव एनी सिम्टम, इफ दे वायलेट, इफ दे डोंट यूज मास्क और इफ दे स्टार्ट मिक्सिंग विद द कम्युनिटी, द केस नंबर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग।
आप देखने से पता चलेगा लास्ट 2 to 3 weeks में कलिम्पोंग का एक्टिव कोविड केसेस इज ऑलवेज अराउंड 200. इट इज़ नॉट कमिंग डाउन. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द विलेज एरिया में जो ये थोड़ा सा वायलेशन होता है, इसीलिए होता है. बहुत ज़्यादा वायलेशन होने से तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट इवन द स्मॉल रिलैक्सेशन शुड नॉट बी अलाउड सो दैट वी कैन कंट्रोल अवर कोविड स्प्रेड इन द रूरल एरिया. And from the end of SP also, some directions have been given to everyone. So we hope that everybody will be cooperating and they have assured their cooperation. Thank you. कलिम्पोंग के बारे में मैं बोल सकती हूँ, कलिम्पोंग में अबव 18 इयर्स पॉपुलेशन इज़ 209,755. हम लोगों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन 108,000 हो चुका था. अराउंड 10 डेज बिफोर इटसेल्फ वी कुड रीच दिस नंबर. But as the vaccine supply is reduced, we could not go for the first dose in the last week. We did only the second dose vaccination. ये 108,000 फर्स्ट डोज हो चुका है, 41,300 सेकेंड डोज भी उन लोगों को हो चुका है. सो एज ऑफ नाउ कलिम्पोंग में वैक्सीन सप्लाई होने से फर्दर वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, वो एक्सपीडेट हो जाएगा. देर इज़ नो प्रॉब्लम इन वैक्सीनेशन. सप्लाई किस तरह है अभी, शॉर्टेज है या अभी? राइट नाउ वी हैव रिसीव्ड सम अलॉटमेंट एज द स्टेट हैज सम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. While dividing this lot to other districts, we could get only for the second dose. All over the state, only second dose was focused last week because of shortage of supply. But right now, Kalimpong has been given a good number. So we will be able to do the first and second dose both in this week. आज चरखोल होम स्टे वेलफेयर एसोसिएशन से हमने जो DM के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे मीटिंग में हम लोग आया था, और मीटिंग में ये तय हुआ कि कोविड का प्रोटोकॉल एकदम फुल्ली फॉलो करना है. जैसे डबल डोज वैक्सीन और RT-PCR 72 hours का जो प्रत्येक जो आएगा टूरिस्ट आएगा उसको होना ही चाहिए, ये है एक. और दूसरा बात यह है कि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे अभी जो केसेस बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे, वहाँ पे टूरिस्ट अलाउ नहीं करेंगे. और जहाँ पे ग्रीन जोन है, जैसे अभी तक एक केस भी नहीं हुआ और क्लियर बता रहा है, वहाँ पे वो टूरिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. ये मीटिंग में ये हुआ और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोग का बहुत दौर से बहुत ऐसा केसेस से गुजर रहे हैं कि कलिम्पोंग में बहुत सारा केस हो रहा है. ये बहुत हम लोग को मतलब फॉलो करना चाहिए था. एक्चुअली मैं चारखोल एरिया से हूँ. नहीं नहीं, हम लोग चारखोल सोसाइटी बहुत पहले, शायद नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट एसोसिएशन ऐसा है कि हम लोग ने मीटिंग करके बॉन्ड करके रखा हुआ था, और वो हम लोग के लिए बेनिफिट भी है. अभी तक वहाँ पर एक भी केस नहीं हुआ. सो ये है. सो मैं इस तो हमारी वो मतलब तरफ से सबको ऐसा ही बोलता हूँ कि ऐसा ही हम लोग के जैसे ही मतलब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर को कोऑपरेट कीजिए. और हम लोग ने एक मीटिंग आगे बैठ के डिसाइड किया था कि हम लोग डबल सभी जो होम स्टे स्टेक होल्डर है और जो भी टूरिज्म वर्कर्स है, डबल डोज वैक्सीन होने के बाद हम लोग सेप्टेम्बर 1st week से टूरिस्ट स्टार्ट कर देंगे. मैडम का ऑर्डर है कि कालिम्पोंग में भी अभी कंटेनमेंट जोन है, जैसे पेदुंग में है, लिंगसे में हो गया, थोड़ा विलेज एरिया में ज़्यादा कोविड हो गया है, इसीलिए मैडम बोली कि थोड़ा प्रिकॉशन करके टूरिस्ट लाने के लिए, टूरिस्ट को जो सेकंड डोज डाला हुआ है उसको रखने के लिए. जो टूरिस्ट का कोविड हो गया उसको 14 दिन बाद अगर आता है टूरिस्ट तो उसको एक्सपेक्ट करने के लिए अपना कोविड प्रोटोकॉल करके रूम सैनिटाइज करके रख के, फिर उसके बाद टूरिस्ट जाता तो फिर सैनिटाइज करके, गाड़ी में भी 50% कैपेसिटी लेना है, और यही सब प्रिकॉशन करके मैडम का यही सब बात था. ड्राइवर लोगों को वही है कि कंटेनमेंट जोन में नहीं ले जाए टूरिस्ट, और अभी तक जैसे चल रहा है वैसे चले, 50% कैपेसिटी से चले, सब मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, सब करें, ड्राइवर लोग वैक्सीनेशन लगाएं.